नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल RBSC विद HSM में। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा RET रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2020 के अंतर्गत महत्वपूर्ण अपडेट्स जारी की गई है एवं इसी के साथ में एडमिशन सेशन 2020 से 2021 के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण अपडेट्स जारी की जा चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी अपडेट्स के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। डिपार्टमेंट दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने PhD प्रोग्राम का ऑप्शन दिखाई देगा। दिए गए ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। dpsmlsu.org दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। नोटिस बोर्ड के अंतर्गत हमें RET इंटरव्यू शेड्यूल ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एवं इसी के साथ में रिवाइज्ड रिजल्ट ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवाइज्ड रिजल्ट ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ पर रिवाइज्ड रिजल्ट बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स का जारी किया गया है। इस PDF फाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। अब बात करेंगे हम इंटरव्यू शेड्यूल के संदर्भ में। RET इंटरव्यू शेड्यूल ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। लिस्ट ऑफ RET एडमिशन टू PhD क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू टू बी हेल्ड ऑन 19 and 20 February 2021 8:10:30 AM इन द डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड स्टेटिक्स यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर 19 February 2021। इंपॉर्टेंट नोट्स। इसी तरह से बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। 19 and 20 February 2021 नेम ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यू चांस कैटेगरी RET पेपर सेकंड मार्क्स डे 19 February 2021 20 February 2021 Day 2 इंपॉर्टेंट नोट्स।
कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू ऑन द शेड्यूल डेट. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द फॉलोइंग कंसर्न ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ वन सेट ऑफ फोटोकॉपी फॉर वेरिफिकेशन इन द डिपार्टमेंट. 10th, 12th, UG, PG, Marksheet, Certificate and Degree. Valid caste, tribal, community, OBC, non-criminal, MBC, non-criminal, EWS, PH certificate, etc. to claim category benefit if any. NET, SET, fellowship related documents, published research paper if any, employment in research projects, government service related documents, other related documents if any. Candidates are required to download the pro forma to be filled by candidates appearing in the interview for PhD admission from the website dpsmlsu.org and bring the duly completed pro forma at the time of interview. तो यहाँ पर इंटरव्यू के संदर्भ में है जो जानकारी दी गई है. अब बात करेंगे हम एडमिशन सेशन 2020 से 2021 के संदर्भ में. स्टूडेंट कॉर्नर पर क्लिक करेंगे. क्लिक करते हैं हमारे सामने ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन दिखाई देगा. दिए गए ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा. क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा. एडमिशन नोटिस एंड मेरिट लिस्ट 2020 से 2021 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा. क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा. 13 फरवरी 2021 एवं 12 फरवरी 2021 एडमिशन नोटिस सेंटर फॉर इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा. क्लिक करते हैं हमारे सामने डाउनलोड अटैचमेंट का लिंक दिखाई देगा. दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे. क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडी फाइल डाउनलोड होगी. इस पीडी फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है. एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू द 6th month सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन या फ्रेंच लेटेस्ट बाय 28 फरवरी 2021. मिनिमम एलिजिबिलिटी इज ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम यानी स्नातक किसी भी विषय में स्नातक हो इसके लिए आवेदन कर सकेगा. फॉर एडिशनल डिटेल्स प्लीज विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट mlsu.ac.in. तो हम देख सकते हैं 28 फरवरी 2021 तक हम आवेदन कर सकेंगे 6th month सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जर्मन या फ्रेंच. नोटिस फॉर री काउंसलिंग ऑफ इंक्रीज 15th SFS सीट्स इन MSc केमिस्ट्री दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा. डाउनलोड अटैचमेंट का लिंक दिखाई देगा. दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे. क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडी फाइल डाउनलोड होगी. इस पीडी फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है. 15th SFS सीट विल बी हेल्ड ऑन 15 फरवरी 2021 8:11 AM ऑनवर्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री फॉर द वन मोर स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. द एडमिशन विल बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ बोथ केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी. ऑल द कैंडिडेट्स हैव टू बी ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी ओरिजिनल एंड वन सेट ऑफ फोटो कॉपी अलॉन्ग विथ एडमिशन फॉर्म. क्लास 10th, 12th, BSc, फर्स्ट ईयर BSc, सेकेंड ईयर BSc, थर्ड ईयर एग्जामिनेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट या केप सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट SC ST MBC EWS OBC नॉन क्रिमिनल आधार कार्ड इनकम सर्टिफिकेट फॉर जनरल एंड OBC बॉय स्टूडेंट्स कंपल्सरी फॉर नॉन इनकम टैक्स पे डिटेल ऑफ फी एज फॉलोज. SFS प्लस इनकम टैक्स पे 19,250 रुपये प्लस 7,990 टोटल होती है 27,240. SFS प्लस नॉन इनकम टैक्स पे
19,250 प्लस 6,670 25,920 रुपये SFS प्लस एग्जम्प्टेड 19,250 प्लस 44,033 और 23,280 रुपये टोटल फीस। ऑर्डर रिगार्डिंग स्टूडेंट ड्यू फी सबमिशन ऑफ SFS कोर्स एंड SFS सीट्स, ये के लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने डाउनलोड अटैचमेंट का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। कोरोना महामारी के मद्देनज़र माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में संचालित समस्त स्वय वित्त पोषित पाठ्यक्रमों व स्वय वित्त पोषित सीट्स के छात्र छात्राओं को बकाया शुल्क की द्वितीय किस्त 28 फरवरी 2021 तक जमा कराने के आदेश जारी किए जाते हैं। इसी तरह से हॉस्टल ऑर्डर रिगार्डिंग नोटिस जारी किया गया है। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। तेरह फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से हम विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों में जो प्रवेश हैं ले सकेंगे। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहे RBSE वित्त अजसम के साथ। जय हिंद, जय भारत।